अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज 2.5.5 लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। टुडे वी विल डिस्कस टू लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। द लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा हेल्प अस टू सिंपलीफाई कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन अलजेब्रा के लॉज कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ट्रुथ टेबल्स। तो इन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिंपल बूलियन एक्सप्रेशंस डिस्कस किए थे और ट्रुथ टेबल के टॉपिक के एंड पे हमने एक कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड ट्रुथ टेबल भी डिस्कस किया था। इस तरह के कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए हम लॉज यूज करते हैं ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सम लॉज आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ डील्स विद टू प्रोपोजिशंस, डील्स विद टू वेरिएबल्स ओनली। टू से ज्यादा वैल्यूज कम्यूटेटिव लॉ में नहीं होती। कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोपोजिशंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग फाइनल इवेल्युएशन पे या फाइनल ट्रुथ वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता विद द चेंज ऑफ प्लेस ऑफ प्रोपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू प्रोपोजिशंस ए एंड बी और इनको कंबाइन किया गया है यूजिंग एंड ऑपरेटर, तो फाइनल इवेल्युएशन, फाइनल जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा कि अगर हम बी को पहले लिख लें या ए को पहले लिख लें। मीन्स अगर ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन का आंसर सेम आएगा। यानी कि पोजिशन मैटर नहीं करती, प्लेस मैटर नहीं करती, प्लेस चेंज करने से ट्रुथ वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। द ऑर्डर इन विच टू वेरिएबल्स आर एंडेड मेक्स नो डिफरेंस। के ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल यूजिंग और ऑपरेटर। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पे भी पोजिशन का वही इफेक्ट बताया गया है। अगर पोजिशन चेंज करेंगे तो ट्रुथ वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन। ए और बी प्रोपोजिशन से उनको कंबाइन किया गया है यूजिंग और ऑपरेटर, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। अगर हम प्लेसेस को चेंज कर दें ऑफ दीज प्रोपोजिशन तो क्या है, फाइनल इवेल्युएशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। द ऑर्डर इन विच टू वेरिएबल्स आर ऑड मेक्स नो डिफरेंस। के ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता फाइनल ट्रुथ वैल्यू पे। अब हम इनके ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द ट्रुथ टेबल ऑफ कम्यूटेटिव लॉ यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो ए बी की सबसे पहले इनपुट वैल्यूज लिखते हैं, इनकी ट्रुथ वैल्यूज लिखते हैं। ए बी बेसिकली इनपुट पे है और ए डॉट बी बी डॉट ए कंपाउंड प्रोपोजिशन है या हम कह सकते हैं आउटपुट है। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यूज लिखते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इनपुट्स में हम वैल्यूज लिखने के लिए राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं और टू की पावर्स में चलते जाते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सबसे पहले इनपुट वाली हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी कॉलम बी की। तो यहाँ पे आएगी टू रेज टू पावर जीरो और यहाँ पे आएगी टू रेज टू पावर वन। टू रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो वन टाइम फॉल्स, वन टाइम ट्रू, वन टाइम फॉल्स, वन टाइम ट्रू। आप ट्रू पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक एक दफा वैल्यू आएगी। एक दफा ट्रू आएगा, एक दफा फॉल्स आएगा, एक दफा ट्रू, एक दफा फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी वैल्यूज कैसे आएंगी। तो ये टू रेज टू पावर वन इज इक्वल टू टू, यानी टू टाइम्स फॉल्स आएगा, टू टाइम्स ट्रू आएगा। तो इस तरह हमारे पास पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, इसके फोर वैल्यूज आ गए, फोर कॉम्बिनेशन हो गए हैं। एक में ए बी फॉल्स है, फिर एक में ए फॉल्स है बी ट्रू है, एक में ए ट्रू है बी फॉल्स है, और एक में दोनों ट्रू है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गए। टू इनपुट वैल्यूज हैं, इट मींस कि टू इनपुट वैल्यूज से कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कॉम्बिनेशंस बनेंगे टू रेज टू पावर टू। जितनी इनपुट वैल्यूज होती हैं, टू की पावर में इनपुट वैल्यूज लिखे तो उतने कॉम्बिनेशन आएंगे। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वन टू थ्री एंड फोर। तो टू रेज टू पावर टू इज इक्वल टू फोर, फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक में फॉल्स फॉल्स है, एक में फॉल्स ट्रू है, एक में ट्रू फॉल्स और एक में ट्रू ट्रू है। और इसके अलावा इनको लिखने का मैंने आपको मेथड बता दिया, टू रेज टू पावर जीरो, टू रेज टू पावर वन। कॉम्बिनेशन टोटल फोर कैसे आएंगे, टू रेज टू पावर नंबर ऑफ इनपुट्स। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, वन और टू। ए भी इनपुट्स में है तो इसलिए फोर इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब हम देखते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए कैसे आएंगे। एंड ऑपरेटर में हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड प्रोपोजिशन सिर्फ उसी केस में ट्रू होगी जब तमाम प्रोपोजिशंस ट्रू हों, अदरवाइज किसी एक प्रोपोजिशन के फॉल्स होने पे कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों फॉल्स हैं, इट मींस ए डॉट बी फॉल्स है। यहाँ पे एक फॉल्स है तो जाहिर है फॉल्स है, नेक्स्ट में एक और फॉल्स है तो वो फॉल्स है।
लास्ट पे दोनों ट्रू हैं, सब ट्रू हैं, इट मींस के फाइनल प्रोपोजिशन भी ट्रू है, कंपाउंड प्रोपोजिशन भी ट्रू है। उसके अलावा बी डॉट ए, बी डॉट ए देखें, अब बी को पहले कंसिडर करेंगे, ए को बाद में कंसिडर करेंगे, तो एफ एफ फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, इस तरह से ट्रू फॉल्स तो ये फॉल्स आएगा, नेक्स्ट फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स है, लास्ट पे दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू है। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जो वैल्यूज इस कंपाउंड प्रोपोजिशन की हैं वो इसकी हैं, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप पहले किस प्रोपोजिशन को कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और ऑपरेटर के लिए टेबल, ए बी, ए बी का जो इनपुट वैल्यूज आएंगे ट्रुथ वैल्यूज, उनको उसी मेथड को फॉलो करते हुए लिखना है जो मैंने अभी डिस्कस किया है। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो फोर हैं, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, फोर हैं तो कैसे पता चलेगा फोर है, टू रेस्ट पावर टू से, टू रेस्ट पावर नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है ए बी टू, तो टू रेस्ट पावर टू इज इक्वल टू फोर, तो ये फोर कॉम्बिनेशन है। अब हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं ए प्लस बी बी प्लस ए, तो ए और बी प्लस को और कहते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कंपाउंड प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यूज कैसी आएंगी, रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक। और ऑपरेटर यूज करते हुए किसी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू तभी होगी जब एटलीस्ट तमाम प्रोपोजिशन में से कोई एक ट्रू हो जाए, और ऑपरेटर को यूज करते हुए कंपाउंड प्रोपोजिशन सिर्फ उसी केस में फॉल्स होगी जब तमाम प्रोपोजिशन जिनसे मिलकर ये कंपाउंड प्रोपोजिशन बनी है फॉल्स हो जाए। इट मीन्स कि अगर ए और बी में से कोई एक भी ट्रू होगी तो ए प्लस बी ट्रू है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल उन्होंने एंड को ही यहाँ पे लिख दिया है, मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक कर लीजिएगा। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी, आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट इज फॉल्स और सेकंड वाली भी फॉल्स है, इट मीन्स कि ए प्लस बी भी फॉल्स आएगा, तो फर्स्ट वन ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए फॉल्स है बी ट्रू है, तो बी ट्रू होने की वजह से ए प्लस बी ट्रू होगा, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, ये करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो एक तो ट्रू है एटलीस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू, अगेन टी आएगा, तो यहाँ पे भी करेक्शन कर लें ट्रू आएगा। नेक्स्ट इज ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है, तो ये ट्रू ही आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड और थर्ड रो में करेक्शन होगी ए प्लस बी की, यहाँ पे भी ट्रू आएगा और यहाँ पे भी ट्रू आएगा, तो ये टोटल क्या आएगा फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। नेक्स्ट बी प्लस ए देख लेते हैं, अब बी को पहले कंसिडर करेंगे ए को बाद में, तो ये दोनों फॉल्स हैं तो फर्स्ट वाला तो फॉल्स ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बी ट्रू है ए फॉल्स है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे टी कर लीजिए, यहाँ पे भी मिस्टेक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी फॉल्स है ए ट्रू है, तो क्या आएगा ट्रू, तो यहाँ पे भी करेक्शन कर लें ट्रू आएगा, और लास्ट पे दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा, क्या आएगा फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। एंड और ऑपरेटर यूज करते हुए सिर्फ एक ही कंडीशन फॉल्स आ रही है जब तमाम इनपुट्स या तमाम प्रोपोजिशंस फॉल्स हैं, बाकी तमाम केसेस में ट्रू ही आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में हम टू से ज्यादा वेरिएबल्स टू से ज्यादा प्रोपोजिशन के साथ डील करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में लिमिट थी कि टू वैल्यूज या टू वेरिएबल्स से ज्यादा वैल्यूज के साथ डील नहीं कर सकते। इन एसोसिएटिव लॉ वी डील विद सेवरल वेरिएबल्स विद सेवरल प्रोपोजिशंस। This law is for several variables. According to this law, there is no change in results if a grouping of expressions is changed. Students, अगर हम दो से ज्यादा propositions को combine करें using and operator or operator, तो final evaluation का कोई effect नहीं होता अगर हम इन propositions की positions को change कर दें। This law is quite same in case of and or operators. Order की बात हो रही है तो ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे हम एंड ऑपरेटर यूज करें चाहे और ऑपरेटर यूज करें, फाइनल वैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म देख लेते हैं, और ऑपरेटर यूज हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे ए और बी की ग्रुपिंग हुई है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बी और सी की ग्रुपिंग हुई है, आप देख सकते हैं ग्रुपिंग चेंज हुई, यहाँ पे ए और बी की ग्रुपिंग थी और इस साइड पर बी और सी की ग्रुपिंग है, तो अभी हम चेक करेंगे कि ग्रुपिंग से फाइनल वैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट एंड ऑपरेटर यूज हुआ है ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, तो यहाँ पे ए और बी की ग्रुपिंग है और इस साइड पर बी और सी की ग्रुपिंग है, इसमें भी हम चेक करेंगे ग्रुपिंग से कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका हम टेबल देख लेते हैं, ए बी सी यहाँ पे थ्री इनपुट्स हैं, अब कितने कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट्स के, क्या आएगा टू रेस्ट पावर थ्री, क्योंकि यहाँ पे थ्री इनपुट्स हैं, तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे टू रेस्ट पावर थ्री इज इक्वल टू एट, यानी हमारे पास एट रोज फिल होंगी। अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज कैसे लिखेंगे, तो राइट साइड पे सी है, फिर उसके बाद बी है और लेफ्ट साइड पे है ए,
तो यहाँ पे आएगा 2 raised to power 0, यानी वन टाइम ट्रू वन टाइम फॉल्स आएगा। इस तरह से 8 लाइंस में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट बी है, बी में क्या आएगा, 2 raised to power 1, 2 raised to power 1 is equal to 2, यानी 2 times false आएगा, 2 times true आएगा। इस तरह से हमने 8 लाइंस कंप्लीट करनी है। लास्ट पे है ए, अब इसकी बारी आई है, तो इसमें क्या आएगा, 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 is equal to 4, तो यहाँ पे 4 times false आएगा और 4 times true आएगा, और 8 लाइंस इस तरह से फिल हो जाएंगी। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। पहले हम ग्रुपिंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इस लॉ में ए और बी की ग्रुपिंग है और बी और सी की ग्रुपिंग है, तो पहले हम ग्रुपिंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद फाइनल वैल्यूएशन देखते हैं। ए बी और बी सी की ग्रुपिंग है, पहले वो देख लेते हैं। ए प्लस बी, तो और ऑपरेटर यूज करते हुए ट्रुथ वैल्यू फॉल्स तभी आती है जब तमाम फॉल्स हो, और अगर प्रोपोजिशन में से एटलीस्ट एक ट्रू हो जाए तो फाइनल प्रोपोजिशन भी ट्रू होगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ए और बी की ग्रुपिंग चेक करते हैं, दोनों फॉल्स हैं स्टार्ट पे, तो ये ए प्लस बी फॉल्स है। नेक्स्ट पे भी दोनों फॉल्स हैं, तो ए प्लस बी फॉल्स है। नेक्स्ट ए फॉल्स है बी ट्रू है, तो ये ए प्लस बी ट्रू है। नेक्स्ट अगेन ए फॉल्स है बी ट्रू है, तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट अगेन देखते हैं, ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो यहाँ पे अगेन ट्रू आ गया, यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स अगेन आ गया, तो यहाँ पे ये ट्रू है। नेक्स्ट वाले सारे ट्रू हैं, तो ये इसकी दोनों वैल्यूज एंड वाली ट्रू आ गई है। अब बी प्लस सी देखते हैं, फर्स्ट वाले दोनों फॉल्स हैं तो बी प्लस सी फॉल्स है। नेक्स्ट में एक ट्रू हो गया है तो बी प्लस सी ट्रू है। नेक्स्ट में एक ट्रू है, उसके बाद नेक्स्ट में एक और ट्रू आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसकी नेक्स्ट टू वैल्यूज ट्रू नहीं है। नेक्स्ट में दोनों फॉल्स हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आया है, फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है, और लास्ट में दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। अब हम फाइनल वैल्यूएशन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड थी ए प्लस बी प्लस सी, तो ग्रुपिंग का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हमने इस कॉलम को यूज करना है और इस कॉलम को यूज करना है, क्योंकि ग्रुपिंग हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए हम इस कॉलम बी प्लस सी को यूज करेंगे और ए को यूज करेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी और सी ये हैं, दोनों फॉल्स हैं, तो स्टार्ट वाली वैल्यू फॉल्स है। अब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। नेक्स्ट में एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है तो नेक्स्ट में ट्रू आएगा। एक ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू ही आना है। अब यहाँ पे भी एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, और लास्ट पे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। इस तरह से ये भी आ जाएगा। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करके देखिए तो दोनों के आंसर सेम है, दोनों की ट्रुथ वैल्यूज सेम है, तो ये शो कर रहा है कि ग्रुपिंग या चेंज ऑफ प्लेस मैटर नहीं करता, इवेल्युएशन सेम रहती है। नेक्स्ट टेबल 2.5 में एंड ऑपरेशन डिस्कस किया गया है, सेकेंड एसोसिएटिव लॉ डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स ये एसोसिएटिव लॉ बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए डिस्कस किया गया इन दिस टेबल। यहाँ पे और ऑपरेटर यूज हुआ था, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, एंड ऑपरेटर यूज हुआ है तो अगर कोई एक प्रोपोजिशन भी फॉल्स होगा तो फाइनल या कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगी, और कंपाउंड प्रोपोजिशन के ट्रू होने के लिए तमाम प्रोपोजिशन का ट्रू होना जरूरी है। इसमें ए बी सी की ट्रुथ वैल्यूज हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे जो अभी हमने ऊपर वाले टेबल में डिस्कस किया है। उसी तरह से पहले हम ग्रुपिंग्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे।